हेलो एवरीवन, जो भी मूवीज़ या फिल्म आपकी रिलीज होती हैं उनको पब्लिक में आने से पहले एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। ये सर्टिफिकेशन आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे CBFC या सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इस सिनेमेटोग्राफ एक्ट के अंदर, और इन चेंजेस को अपोज किया जा रहा है। जैसे कि एक्टर सूर्या शिव कुमार हैं, वो इसे अपोज कर रहे हैं। कमल हसन के द्वारा इन अमेंडमेंट्स को अपोज किया जा रहा है। रीज़न ये है कि ये जो अमेंडमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देंगे टू रिकॉल और रिवोक द सर्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, कोई भी मूवी अगर आपकी एक बार सर्टिफाई हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिकॉल कर सकती है, उस सर्टिफिकेशन को एंड कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रोविजंस लाइक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एट्सेट्रा। तो जितने भी लोग इसे अपोज कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट आपका हैम्पर होगा,